नमस्कार, जय जोहार। का हाल है? मैं हाल दिखाने के लिए पहुंचा हूं। मैं बेरोजगार युवाओं के बीच में छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार का ये कहना है, दावा है कि बेरोजगारी दर 0.6% तक पहुंच गया है। अगर ये स्थिति है, ये आंकड़ा है, तो फिर इतने बेरोजगार बार बार रायपुर क्यों पहुंच जाते हैं? अलग अलग लोगों का हाल मैं दिखाते रहता हूँ। आज मैं छत्तीसगढ़ के कला संकाय के युवाओं का हाल दिखाने के लिए पहुंचा हूं, जिन्हें इंतज़ार है कि कब कोई जो है पद निकले और उन्हें नौकरी मिल जाए। छत्तीसगढ़ में वो नौकरी का इंतज़ार करते करते 12 वर्ष का समय गुजार चुके हैं। बहुतों की जो है अब तो उम्र हो चुकी है और वो शायद पात्र भी ना रह जाए। लेकिन अभी भी बहुत सारे युवाओं को ये उम्मीद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने वादा किया था कि 50,000 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी शिक्षकों की। ये वादा जो है कुछ हद तक पूरा हुआ। 14,000 से कुछ जो है ज़्यादा जो है कई शिक्षकों की भर्ती निकाली गई, उनमें से बहुत सारे लोगों की जो है नौकरी लगी भी गई है। लेकिन वो सब जो थे वो साइंस के थे, आर्ट्स वालों के लिए कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? आखिर ये वादा कहाँ पे अटक गया है? और अभी हाल का है कला संकाय के युवाओं का, आज इसी पर है का हाल है। तो सबसे पहले तो का हाल है सर? ये अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग इस कारण यहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्योंकि जब से कांग्रेस सरकार घोषणा पत्र में जारी किया था कि यहाँ पे हमारी सत्ता आती है तो 50,000 से 60,000 शिक्षा विभाग में पद रिक्त हैं, उसको हम भर्ती करेंगे। लेकिन जब से सत्ता में आने के बाद 14,580 पोस्ट निकाले हैं, उसमें भर्ती प्रक्रिया अभी भी चल रही है, क्योंकि उसमें सिर्फ विज्ञान संकाय के लिए गए हैं। और जो अभी नया स्कूल खोले हैं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम, उसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को ले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, जो आर्ट्स विषय के हैं, जो बीएड प्रशिक्षार्थी, आज वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। और ऐसे जो है कितने होंगे युवा? सर पूरे प्रदेश स्तर से देखे जाए तो 2.5 से 3 लाख लोग जो बेरोजगार बैठे हैं, बीएड प्रशिक्षित हैं, जो 2.5 से 3 लाख है। हाँ, लेकिन सरकार का आंकड़ा तो 0.6% का है बेरोजगारी दर का। सरकार वो नहीं चाहती है कि जितने भी बेरोजगार, जो यहाँ तक के देख लो ना सर, कि रोजगार कार्यालय में जितने भी पंजीयन हैं वो आज भी ना सबके पास प्रमाण पत्र के रूप में, किसी को रोजगार देने की बात नहीं किया है। और सरकार ये घोषणा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे करके, लेकिन आज तक 1 रुपया का बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया रहे, 3.5 साल हो गया फिर भी। ये आपने विषय अच्छा उठाया, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर कुछ नहीं मिला। यस सर, जो उसने घोषणा किया था तो उसको पूर्ण करना चाहिए बेरोजगारों के लिए। बोलते हैं कि हम किसान मजदूर युवा सभी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ काम नहीं दिख रहा है मैदानी स्तर पे। और अभी आपके पास कितना वक्त बचा है? सर हमारे पास तो अभी बहुत कम ही वक्त है, क्योंकि आने वाले चुनाव में फिर सरकार अपना घोषणा करेगी, हम लोगों का वादा अभी भी रह जाएगा। और अगर आयु की बात करें तो कब तक आप नौकरी के लिए पात्र हैं? सर उसमें क्या है कि कैटेगरी डिवाइस कर दिया गया है, ओबीसी का अलग है और एसटीएससी का अलग है। तो आपके लिए अभी कुछ वक्त है? हाँ, हमारे लिए अभी कुछ वक्त है। अगर इसी वक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार हमारे लिए जल्द से जल्द निर्णय ले तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या हाल है जी? कहाँ से हैं पहले? मैं बालोद जिला के गुंडरदी ब्लॉक ग्राम सकरौत पोस्ट राउत जिला बालोद का निवासी हूँ सर। तो ये तुमने जो है डीएड बीएड कब किया? मैं सन 2010-11 से परीक्षा में उत्तीर्ण हूँ सर, बीएड करके। 2011 में? जी सर। 2011 के बाद 11 और निकल गया, 22 में आ गया अब तो। जी सर, ये लंबा वक्त हो गया सर, 12 वर्ष से कला संकाय पर कोई भर्ती नहीं हुआ। हमारे कई साथी हैं, मेरा खुद का 35-36 साल, मात्र 4 वर्ष बचे हैं सर, लेकिन अभी तक कला संकाय में एक भी पदों पर भर्ती नहीं लिया गया। मतलब 4 साल और अगर नहीं निकले तो फिर तो आप नौकरी के पात्र ही नहीं रहेंगे। हमारा जो बीएड का डिग्री है मात्र एक कागज ही रह जाएगा सर, और उससे इतना पैसा हम लोग गला के हैं, माँ बाप पढ़ाए हैं उधार लेकर, कोई औचित्य नहीं रह जाएगा कि हम बीएड किए हैं। और अभी फिर क्या करते हैं, कहीं कुछ काम वाम है? नहीं सर, अभी तो बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं सर हम लोग, और ऐसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं सर 2,000-3,000 में, इतनी स्थिति खराब है घर का भी। मतलब रमन सरकार में भी वैकेंसी नहीं है और भूपेश सरकार के 3.5 साल में भी? रमन सरकार में आई थी सर, मतलब 2011 में, वो भी टीटी वाला, तो टीटी के हैं तो उसमें ये कहा गया कि वर्ग 3 में हम बीएड वालों को मान्यता नहीं दिया जाएगा, इसलिए उस पर उस समय भी हमारा नहीं लग पाया, ऐसा है सर। उसके बाद 2012 के बाद वर्ग 1, 2, 3 में एक भी पदों पर कला संकाय में भर्ती नहीं लिया गया सर।
और आप कितने साल से हैं बी एड डी एड किए हुए? जी सर, मैं 2016 से मतलब टेट भी पास हो गई हूँ और मेरा डी एड भी हो गया है, लेकिन सरकार अभी तक कोई पोस्ट कला में निकाला नहीं गया है, इस वजह से मेरा अभी तक कोई जॉब नहीं लगा है। और एक और बात है कि हमारी मांगे कोई गलत तो नहीं है, जायज मांगे हैं, उस मांग को सरकार पूरी क्यों नहीं कर रही है? बस सवाल का जवाब ही नहीं दे रही सरकार, जबकि घोषणा पत्र में लिख दिया गया है कि 50 से 60,000 तक के हम भर्ती करेंगे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों को लिया गया है? 15,000 पोस्ट निकाला गया है, 14,000 लगभग निकाला गया है, लेकिन उसमें भी सिर्फ विज्ञान और गणित वालों के साथ को निकाला गया, और हमारे साथ भेदभाव किया गया है। और ये भेदभाव क्यों कर रही है सरकार, अभी तक हमें जवाब नहीं मिला है। और ऐसा तो नहीं होगा कि जो है पद रिक्त नहीं है कला संकाय के, है कि नहीं? सर, कला संकाय में 50 से 60,000 रिक्त पद खाली है सर, खाली अभी स्कूलों में, लेकिन अभी तक भर्ती की प्रक्रिया कोई नहीं है, नहीं अभी विज्ञापन दिया गया है सर पिछले 10 से 12 वर्षों में, और नहीं कोई भी मतलब अभी ऐसी कोई आदेश दिया गया है। और आपको कितना साल हो गया? मुझे सर 32 साल हो गया है सर। 32 साल की उम्र है आपकी? बी एड डीएड कब किया? बीएड मैंने डीएड किया है सर 2013-14 में। उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आया? उसके बाद से कोई भी वैकेंसी अभी तक नहीं आया सर, 12 वर्ष हो गया है, लगभग 10 से 12 वर्ष हो गया सर, और अभी तक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं सर। क्या कहते हैं जो है इतने जो है समय से आप पढ़ लिख लिए, घर वालों की क्या चिंता रहती है? जी सर, घर वाले की यही है सर, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ाई लिखाई करता है, कोई भी माँ बाप हो अगर अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराता है, तो उसका यही मंशा रहती है कि हमारे बच्चे भी इतना पढ़ाई लिखाई किए तो समाज में कुछ अच्छा कार्य करे, उसके शिक्षा के अनुरूप उसको व्यवसाय मिले। लेकिन आज सरकार की रणनीति एक ऐसी हो चुकी है जिसे हम लोग जिस प्रकार से पढ़ाई करते हैं उसके अनुरूप हमको व्यवसाय नहीं मिल पाता है। मुख्य रूप से कहा जाए, हम लोग डीएड बीएड किए हैं तो डीएड और बीएड विषय का मुख्य रूप से यही रहता है कि हम लोग शिक्षक के क्षेत्र में जाएं और जा करके अपना व्यवसाय वहाँ पे करें, लेकिन निर्धारित समय में जो है वैकेंसी नहीं आने के कारण और पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया उसको सही समय में नहीं करने के कारण हम लोग वंचित रह जाते हैं। और सरकार से मेरा ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार पूरे राष्ट्र में अच्छे तरीके से पूरे खेल के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में पैसा को वेस्ट करती है, तो बेरोजगारी की जो समस्या है, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या को भी उसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या एक ऐसी पीड़ा है सर जिससे बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उसके आत्मा की जो पीड़ा होता है उसको ध्यान में रखना चाहिए, और निश्चित रूप से वो बोलते हैं कि 0.6% पर बेरोजगार आ गई है, तो वो किस आधार पर बोलती है वो आंकड़ा को हम लोग साबित करें कि इतने बेरोजगार जब हैं तो किस प्रकार से मतलब उनकी संख्या 0.6 हो गई है। वो एक निजी ये आंकड़ा जो है वो झूठ है। सरकार जो है जैसे निजी संस्थानों में कोई काम कर रहे हैं या कोई समूह के माध्यम से जैसे किसी को रोजगार दे रहे तो वो अलग बात है, लेकिन एक डिग्री प्राप्त करके बैठे रहना और इतने दिनों से 12 सालों से अब देख रहे हैं कि कला संकाय में भर्ती नहीं हुआ है, और जो भी संकाय में भर्ती हुआ उसका नियमित रूप से भर्ती मतलब प्रक्रिया को नियमित तरीके से नहीं लिया गया है, तो ऐसे में हमारे बहुत सारे साथी लोग छूट जाते हैं। अगर जो भी प्रक्रिया उसको कंटिन्यू से करते तो निश्चित रूप से हमारी जो बेरोजगारी के दर है, संख्या शिक्षित बेरोजगारी, वो कम हो सकता है। आप बताइए गुरुदेव, जो है कितने साल से जो है आप प्रशिक्षित? सर, मैं डीएड 2011 में किया और डीएड के बाद 2013 में बीएड भी किया, लेकिन अभी तक से कला संकाय वालों का जैसे इतिहास है, भूगोल है, हिंदी संस्कृत वालों का पोस्ट नहीं निकला है। ये क्या सोच के आपने किया? सर, मैं इस देश का राष्ट्र, जैसे कि शिक्षा को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, ये मेरी ये हॉबी है कि मैं शिक्षक बनूँ, मैं शिक्षक क्षेत्र में बच्चे को बढ़ाऊँ, आगे पढ़ाऊँ, ये मेरी इच्छा है, इसलिए मैं इस फील्ड में आया, डीएड बीएड किया। उसके बाद कोई नौकरी? उसके बाद कोई नौकरी नहीं सर, 2012 से बिल्कुल सरकार। और दूसरी बात, सरकार ये आने के पहले घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम इस कला संकाय और शिक्षक भर्ती को हम फुलफिल करेंगे, लेकिन वादा को पूरा नहीं किया अभी तक, इसलिए मजबूरी बस इन सभी बेरोजगार डीएड बीएड बेरोजगार कला संकाय वालों को यहाँ शरण लेना पड़ा सर। और आप कहाँ से आए? मैं नवागढ़ से आया हूँ सर। नवागढ़ बेमेतरा जिला से आया हूँ। नवागढ़ में ही तो गुरदयाल बंजारे जी हैं, वो संसदीय सचिव हैं स्कूल शिक्षा के, कभी उनसे मुलाकात नहीं? मुलाकात नहीं हुई है सर, यहाँ बेमेतरा से के सर से हुआ है, यहाँ से सावड़ा सर से, वहाँ ज्ञापन वगैरह भी दिए थे, कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन दिए थे, लेकिन हमें कोई उचित जानकारी नहीं दिया गया। और करते क्या है, घर में क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं सर, क्या करेंगे? लगा नहीं कि अब छोड़ो यार, इससे नौकरी नहीं है, खेती किसानी करनी चाहिए। सरकार तो कह रही है हम खेती किसानी को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, उससे अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है।
नहीं सर, ये तो सोच गलत है क्योंकि अधिकांश लोगों के पास जमीन भी नहीं है सर, कहाँ से खेती कर पाएंगे। या तो ऐसी सोच है सरकार की तो सभी को खेती दे दे, खेती करने के लिए भी तैयार है, अब खेत ही नहीं है तो कहाँ से खेती कर पाएंगे। जी सर, तो कुल मिला के सबका हाल बेहाल है, जरा भाई साहब लोगों से जरा पूछे। तो कहाँ से आए आप? मैं ग्राम माटेकट्टा श्यामलाल पटेल, डोंगरगढ़, राजनांदगांव जिला निवासी। राजनांदगांव जिला से? तो राजनांदगांव जिला संस्कार धानी है जी सर। संस्कार कैसे है वहाँ? संस्कार ऐसा है सर कि करीब मैं 2013 में बीएड पास आउट हुआ हूँ और राज्य सरकार द्वारा एक पेपर लिया जाता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल लिया जाता है, उसमें करीब मैं 4 बार पास हो चुका हूँ। चार बार आपने पात्रता परीक्षा पास कर लिया सर। भैया एक बार तो हो गया तो फिर जरूरत क्या थी? एक बार पहले वो ऐसा नहीं था सर, 7 साल मान्यता नहीं था, अभी किया है वो, अभी जीवन भर टाइम लिमिट रहता है कि इतने समय में अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो उसका कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, और वर्तमान में अभी उसको लाइफ टाइम कर दिया है। लाइफ टाइम करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कला संकाय का एक भी पोस्ट नहीं निकला है। आपने ये कहीं और समय दिया रहता तो? अब ऐसा है सर, एक जुनून था टीचर बनने का शुरू से, तो जब बीएड किए हैं तो टीचर भर्ती निकलेगी करके आज थी, लेकिन अभी तक उसको निराश किया है कोई भी सरकार। टीचर की जगह आप तो जो है कला संकाय वालों के लिए टीचर बनानी पड़ी गई है, इतने बेरोजगार हो गए हैं कि उन पे फिल्में बन सकती हैं। जी सर, कोई भी सरकार हो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, और उनको बताना चाहता हूँ कि हमारी संख्या अभी प्रदेश में सब कम से कम 2 से 2.5 लाख है। करते क्या है घर में? मैं खेती किसानी करता हूँ सर। हाँ, खेती किसानी का व्यवसाय ठीक है कि नहीं है? ठीक है सर, वो 1 एकड़ जमीन उसमें भी क्या कर पाएंगे, अब इतने मेहनत से हमारे माँ बाप बीएड करवाए हैं और मेरा भी उम्र कम से कम 30 से पार हो गया। गांव में क्या कहते हैं लोग? क्या कहेंगे सर, उदाहरण देते हैं सामने वाले को भी कि इतना पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पाया करके। पहले ये कहते थे अरे यार खेलो कूदना छोड़ दो, पढ़ो लिखो है, अभी पढ़ने लिखने के बाद भी कुछ नहीं। अब बोलते हैं सर क्योंकि करीब करीब अब 10 साल हो गए खाली बैठे हैं, 2013 किए हैं, अभी तक कुछ नहीं हो पाया, कला संकाय का एक भी पोस्ट नहीं निकला है। 14,580 निकला है, वो साइंस ग्रुप का है। शादी हुई कि नहीं? हो गया सर, एक बच्ची हो गई थी। नहीं सर, अभी हुआ है, 2018 में हुआ है। क्या करती है श्रीमती जी? हाउसवाइफ है सर। सब जी सर, अभी इंतजार कर रही होगी आपके शिक्षक। जी सर, जी सर, जी सर। नम कहाँ से आए हैं आप? कवर्धा जिला सांसपुर लोहारा ब्लॉक ग्राम रंदा खामी से सर। उधर का हाल क्या है? उधर का हाल तो हाल बेहाल है सर, सब रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं। अच्छा। इतने बेरोजगारी बढ़ गए हैं सर जिसका सीमा तय नहीं किया जा सकता। सभी लोग उम्मीद से बीएड डीएड किए हैं, टीटी भी पास किए हैं, उसके बाद भी वैकेंसी के अभाव में सब बेरोजगार भटक रहे हैं। अरे ये इतना सब कुछ देखते होंगे, पहले भी आप लोग ऐसा आंदोलन वगैरह धरना प्रदर्शन किए होंगे कई मरतबा? कई बार ज्ञापन दे दिए हैं लेकिन उसके बाद भी नज़रअंदाज कर रहे हैं सर। सरकार को चाहिए अगर घोषणा पत्र जारी किया है तो उसको भी ध्यान में रखें। जब 50,000 शिक्षक भर्ती करने के लिए अपना घोषणा पत्र स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है और चुनाव जीतने के बाद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर वो वादा किया है, अगर वादा को निभा देते तो आज के दिन में इतना बेरोजगार देखने को यहाँ नहीं मिलता सर। और ये जब देखते होंगे आपके घर परिवार वाले तो वो क्या सोचते हैं? बस सर, निराशाजनक भाव पैदा होता है। अगर सकारात्मक तभी होता है जब अपने घर परिवार के सामने हम कुछ रोजगार करते हैं, और रोजगार के अभाव में सभी लोग बेरोजगार के उदाहरण बन गए हैं सर। और लगा कि जो है यही करना था, यही पढ़ना था, निराशा होती है, अब जो है साइंस ले लेना था या दूसरे विषय कर लेना था, कोई व्यावसायिक जो है कोर्स? वैसे उद्देश्य नहीं था सर, लेकिन हम लोग आर्ट विषय अपना जो फेवरेट विषय था इसीलिए इस सब्जेक्ट का चुनाव किए हैं और इसी उम्मीद से हम लोग बीएड किए हैं ताकि हम भावी टीचर बन सकें। इसमें कितना खर्च हुआ आपका? वो तो बहुत खर्चा हो सर, लाखों रुपया एक साल में चले जाता है। अब तो बीएड 2 वर्षों का हो गया है, पहले तो 1 वर्ष होता था लेकिन 14 के बाद ना अब 2 वर्ष ही कर दिया है, अब 2 वर्ष का कोर्स कम्प्लीट करना पड़ता है सभी परीक्षार्थी को। क्या बिगाड़ा कला वालों ने आपके, तो क्या बिगाड़ दिया? अच्छा ये बताओ तुम क्या करते हो इसके अलावा, अभी कुछ करते हो कि नहीं? जी नहीं सर, खाली खाली। कितने सालों से? मैं 2013 से किया हूँ सर बीएड, करीब जो है 9 साल। जी सर, 9 सालों में कभी लगा नहीं कुछ और काम करना चाहिए, इधर नौकरी आनी? नहीं लगा तो सर था सर, बट लेकिन जैसे बीएड किए हैं टीचर बनने के लिए, स्पेशली कोर्स हैं बीएड डीएड हैं टीचर बनने के लिए, इस वजह से कुछ किए नहीं है। अबक आएगा तबक आएगा ऐसे है, मान के चलो टीचर वैकेंसी
गलत शंका में इस वजह से कुछ नहीं किए हैं, इंतजार कर रहे हैं विज्ञापन का। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जो है कुछ हासिल नहीं हो रहा है जी? नहीं सर, नहीं। तो सबका हाल बेहाल है। आइए जरा मित्र से जो है बात करें, नाम बताइए आपका सबसे पहले। संजय यादव सर। संजय भाई कहाँ से हैं? मैं धमदा से गांव, 15 किलोमीटर गांव है। दुर्ग जिला पड़ता है जी सर। तो दुर्ग जिले में ही तो जो है देखिए मुख्यमंत्री जी हैं जी, गृह मंत्री हैं और एक रुद्र गुरु जी भी हैं, और संभाग में ले ले तो रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर भी हो जाते हैं, अनिला भेड़िया भी। इतने सारे मंत्री होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों का हाल भी यही है? बहुत बेहाल है सर। मेरा 2015 से हुआ है, मैं बीएड किया हूँ, 2017 में टीईटी पास कर लिया हूँ, लेकिन मेरा गलती क्या है, सिर्फ मैं कला संकाय का हूँ। ये गलती है आपकी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ सरकार से, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मेरा गलती क्या है। मैं टीईटी भी पास कर लिया 2015 में, बीएड भी पास कर लिया, लेकिन मेरा क्या गलती है, क्या मेरा संकाय गलती है? अगर ये फैकल्टी में गलती है तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से, फैकल्टी को बंद ही कर दीजिए, क्योंकि मेरे साथ जो खिलवाड़ हुआ है, मैंने चाहता कि भविष्य में किसी और के साथ ऐसा खिलवाड़ हो, तो फैकल्टी बंद ही कर दीजिए। फिर मैं, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़िया का सरकार है, हम छत्तीसगढ़ के लोग ही हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर का कोई नहीं है, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो 12-13 साल से कला संकाय की एक भी भर्ती नहीं हुई है, मेरे साथ में मेरे पढ़ने वाले मेरे दोस्त लोग सबका सर, क्योंकि वो साइंस में थे, मैथ्स वाले थे, उनका ज्वाइनिंग लग गया, वर्ग 1 में काम कर रहे हैं और मैं बेरोजगार बैठा हूँ सर, खेती किसानी भी कुछ नहीं कर सकता। आपके साथी लोग जो दूसरे विषय के थे उनको नौकरी लग गया है, कम से कम 10 साथी का लग गया है जी सर। और आप पैर से भी जो है आपको दिक्कत? कोई दूसरा काम धाम है ही नहीं सर, ऐसा बेरोजगारी है फुल। तो कभी लगा नहीं कि देखिए अभी तो बड़ा दौर चल रहा है स्टार्टअप का और बाकी सारी चीजों का, उसमें कुछ ध्यान लगाया जाए, उसमें कुछ परिश्रम किया जाए, उसमें कुछ लिया जाए, अगर इस पे नहीं आ रहे? देखिए नौकरियां तो जो है बहुत मुश्किल हो जाती है अभी के समय में, तो वैसी सरकारी नौकरी बहुत कम है, संविदा पे या ठेके पे काम चल रहा है। नहीं, वो बात आप सही बोल रहे हैं, दूसरा कुछ ना कुछ जो भी हो सके कर रहे हैं, लेकिन हमारा मांग ये है कि हमने, जब हमारे साथियों का हो रहा है, हम भी पढ़े लिखे हैं और पोस्ट खाली भी है, पोस्ट खाली नहीं है ऐसा नहीं है, कला संकाय का पोस्ट खाली है, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। आपने जो वादा किया उस भरोसे में हमने बीएड डीएड किया जी, वो भी है सर कि सरकार ने, मतलब बीएड डीएड तो पहले से हो गया था, पर ये सरकार आई इसको हमने इसलिए सत्ता पे आसीन किया है क्योंकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि बेरोजगारों को मतलब भत्ता भी मिलेगा, बेरोजगारी दर यहाँ पे कम करेंगे, और अभी इन्होंने बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ का कम हो गया ऐसा करके एक झूठा आंकड़ा भी, 0.67% जो आंकड़ा बिल्कुल सरासर गलत है सर, हम लोग तो बेरोजगार लोग यहाँ बैठे हैं, तो फिर कौन है फिर जिसका नौकरी लगे? ये आंकड़ा सरकार वो करे, ओपन करे आंकड़ा को, पूरा साझा करे। तो बहुत सारे गौठान में देखो महिलाओं समूह को नौकरी है, गोबर बिनने वालों के पास काम है, गोधन में काम है, उसमें तो 25,000-50,000 रुपए तक लोग कमा रहे हैं। मैं खुद गांव से हूं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे जो है समूह की महिलाएं काम कर रही हैं, काम के बदले उनको पेमेंट मतलब वो मिल रहा है, सरकार से जो पैसा जा रहा है वो कोई नौकरी नहीं है, उसको अगर सरकार नौकरी मान रही है तो वो सरासर गलत है। नहीं, रोजगार तो है ना, लेकिन रोजगार नहीं है सर, वो परमानेंट कोई रोजगार नहीं है, वहाँ पे काम हो रहा है, अगर गोबर नहीं बिकेगा तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। मनरेगा में काम करने वालों को नौकरी नहीं माने? मनरेगा में काम करने वाले तो संविदा में है, अभी मनरेगा में तो वैसे भी काम नहीं चल रहा है, स्ट्राइक चल रहा है मनरेगा कर्मियों का, तो वैसे भी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। सरकार तो कहती है कि सबसे अच्छा कहीं किसी राज्य की अर्थव्यवस्था है तो वो छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वो तो दिख रहा है सर, जैसे आप बूढ़ा तालाब के मंच पे देख रहे हैं, केवल कागजों में दिख रहे हो। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं भी दुर्ग जिले से हूँ। अच्छा, तो दुर्ग जिले आप जिन्हें कहाँ पढ़ाई करे हो? हम हिंदी में, हिंदी साहित्य में एमए किए हैं 2012 से और 13 में बीएड किए हैं। अच्छा, एमए भी कर लियो, तो पीएचडी वगैरह नहीं कर लियो? पीएचडी की नेट सेट क्लियर है, पीएचडी क्लियर, वो भी क्लियर है। तो अभी जो भर्ती निकली सहायक प्राध्यापक के, उसमें हम कुछ नंबरों से चुक गए उसमें हम। स्कूल के शिक्षक नहीं भी उधर से फिर नहीं, कॉलेज में भी टीटी वगैरह सब क्लियर है। बाकी सरकार की मंशा जानना चाहते हैं कि चुनाव से पहले हमारे आदरणीय जो राहुल गांधी जी हैं, उसने आके भरे मंच में घोषणा की थी कि, अच्छा, राहुल गांधी ने कहा था चुनाव से पूर्व कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की 60,000 पोस्ट खाली है करके, राहुल गांधी से बुलवाया गया? हाँ, वो तो खुद बोले थे घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से बोले थे कि हम लोग कला संकाय में भी भर्ती करेंगे। तो सरकार जो भर्ती किए, मैं उनका स्वागत करता हूँ, 15,000 जो भर्ती किए हैं, लेकिन उस भर्ती में केवल कला वालों को निग्लेक्ट करके केवल साइंस ग्रुप का ही भर्ती किए हैं, उसमें कला वालों के लिए एक पोस्ट नहीं सृजित किए हैं। तो हम सरकार से बार बार यही निवेदन करते हैं कि कला वाले साथियों को भी देखिए और इसमें कला में कुछ तो पोस्ट लाइए, जो इतने सारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा जी। तो फिलहाल जो है कला संकाय वाले इस इंतजार में है कि सरकार कब जो है उनकी मांगें पूरी करेगी और सुध लेगी, सरकार जो है
इन कला संकाय वालों का। लेकिन दूसरी एक तस्वीर मैं दिखाता हूँ, हाल चूंकि बेहाल ही है, ये अपना साजो सामान लेके पहुँचे हुए हैं इस आंदोलन स्थल पर राजधानी रायपुर में। सबके पास अपना जो है सामान है, खाने पीने से लेकर के सारा चीज। तो आप लोगों ने क्या तय किया है, मतलब कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे जैसे बाकी आंदोलनकारी बैठे हुए हैं? सर, जब तक ये अनिश्चितकालीन आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर लेता है ना। यहाँ पे आए हैं तो इतना गर्मी में, हम लोग भीषण गर्मी में यहाँ पे सोते हैं, और रात में तो हमारे एक दोस्त का मोबाइल भी चोरी हो गया है, ऐसी नौबत आ गया यहाँ पे आने के। और दूर दूर से आए हैं यहाँ पे, और खाना यही बनाते हैं, यहीं सोते हैं। अभी तो बारिश होने वाली है, आने वाली है, सुरक्षा का है। सर, अगर यहाँ पे अगर आंधी तूफान बारिश हो जाएगा तो हमारे लिए ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ अपने आंदोलन को खुले पड़े मैदान है, खुले आकाश में हम लोग टेंट लगा के यहाँ रह रहे हैं। आंदोलन तब भी रखेंगे जारी? जारी रहे। हमारा ये प्रयास है सर कि जितना जल्दी हो सके, ऐसे भी हम लोग बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार लोगों को ज्यादा ऐसे खुले धूप में तड़पाना सरकार के लिए अच्छी नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। तपस्या तो करना पड़ेगा, उनको दया दृष्टि आना चाहिए है ना। तो जितना जल्दी हो सके हमारी बात को सुने, हमको आके कुछ न कुछ आश्वासन दे या कुछ बोले कि अगले 2 महीने 4 महीने या चुनाव से पहले आपके लिए वैकेंसी आएगी, और जितने भी शिक्षक के रिक्त पद है उसको हम लोग भर्ती करेंगे, अपने प्रशासन को भेजे यहाँ तक के, और आकर के हम लोग आश्वासन दे दे। तो हम लोग अपने धरना प्रदर्शन को बंद करके अपने जाएंगे और रोजी रोटी में अपना लगेंगे सर। तो इससे क्या देश की आर्थिक स्थिति भी बनेगी, हमारे परिवार की स्थिति भी सुधरेगी, और इस तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के लिए भी ठीक नहीं। हमारे जितने बेरोजगार होंगे सब जो है संपन्न परिवार से तो नहीं होंगे सर? ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत में सब संपन्न परिवार के होंगे। वैसे भी शिक्षित के जो बेरोजगार कृषि मजदूर परिवार से हैं, रोज कमाते हैं तो रोज खाते हैं, ऐसे भी है। और इसमें सबसे पीड़ा तो ये है कि हमारे पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ साथी ऐसे हैं जिसका उम्र बिल्कुल 4 महीने 6 महीने ही बचा है। हमारी लड़ाई उन्हीं के लिए है कि उनका उम्र 6 महीने बस बचा है, तो 4 महीने पहले वैकेंसी निकल जाते हैं तो उनको सरकार की उम्र भी जो है 1.5 साल ही बचे। सरकार की उम्र 1.5 साल ही बचा है। अब बात अगर आप कर दिए सर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सरकार हम लोग इसी उम्मीद से बनाए थे कि पिछले सरकार ने बेरोजगारी के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, तो ये सरकार आएगी तो बेरोजगारी के ऊपर ध्यान देगी और शिक्षित बेरोजगारी को दूर करेगी। लेकिन ये उम्मीद को हम लोग नाकामयाब करते जा रहा सरकार। तो सरकार भी ये समझ जाए कि जैसे हमारा उम्मीद पूरा नहीं हो रहा, तो सरकार भी समझ सकती है उसका भी आने वाले जो सपना है वो भी पूरा होने की संभावना नहीं है। ये हम सब शिक्षित बेरोजगार लोगों की ओर से घोषणा है सरकार के लिए। हाल जो है हर स्तर पर जो है बेहाल है, और सच में ये सवाल है कि जब जो है विज्ञान और गणित के लिए जो है शिक्षकों की भर्ती हो सकती है, तो दूसरे विषयों के लिए जो है भर्ती क्यों नहीं निकाली जा रही है, जबकि उनके लिए भी पद रिक्त है। स्कूलों में अगर बेहतर व्यवस्था चाहते हैं तो ऐसे जो बेरोजगार जो कि सालों साल से इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के पास जो है अब बहुत कम वक्त रह गया है, कोई 6 महीने साल भर के लिए ही अब उनकी आयु शेष रह गई है, वो पात्र रह जाएंगे। अगर उसके बाद अगर भर्ती निकाली जाती तो शायद उसके लिए वो पात्र ना हो। ऐसे में अब उम्मीद ये कर सकते हैं कि शायद इनका आंदोलन लंबा ना खींचे, जैसे बहुतों का आंदोलन लंबा खींचते चला गया है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो स्कूल सफाई कर्मियों का आंदोलन हो, चाहे मनरेगा कर्मियों का आंदोलन हो। मनरेगा कर्मियों का आंदोलन जैसे तैसे तो समाप्त हो गया है, लेकिन ये जो बेरोजगार जो युवा है इनका आंदोलन कब तक चलेगा और सरकार यहाँ कब सुध लेगी, इसका इंतजार रहेगा। का हाल है में आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।